And I feel great, good, incredible, exceptional, and every other rapper's forgettable. And I feel big, wait, hey, babe, do any other raps seem intentional? Oh, I don't know. Oh, you should tell me. Are you a hoe now? Drop your cell, leave this the phone, I'll pop your... One. What's up, guys? Ashi, welcome to another video, जहां आपको बताना फ्लिप के कुछ हैक, ट्रिक एंड टिप्स. तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं मैं एक ट्यूटोरियल जो कि होगा रनिंग गेनर का. तो वैसे तो मैं बनाने वाला कुछ और था, लेकिन इस टाइम में कुछ और बनाने वाला हूं जो कि आगे काम आने वाला है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं. सो वीडियो को देखते रहिए. सो हाँ गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो मैं शूट होने के बाद बना रहा हूं, तो मैं अपना वीडियो का माइक ऑन करना भूल गया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी. तो वॉइस थोड़ी आगे पीछे आएगी, सो यू कैन एडजस्ट, सॉरी फॉर देट. वो भूल गया मैं माइक ऑन करना. तो करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग. Let's start. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all. Said I want the world, yeah, I want the world. I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard. I'm taking it all, cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want the world. तो रनिंग गेनर करने के लिए आपको सबसे पहले आपको खुद की बैकफ्लिप क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि बैकफ्लिप सबसे इजी नॉर्मल सी चीज है. तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है, और मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गार्डन में जगह नहीं है. जैसे कि नाम में गेनर है, तो गेनर ऑब्वियसली आनी चाहिए. तो गेनर आपकी नॉर्मल वाली या फिर कोई सी वाली, ये वाली भी चलेगी, ये वाली गेनर या फिर और कोई सी भी, या फिर कहा जाए तो आपकी वन लेग गेनर, वन लेग बैक फ्लिप, वन लेग अप डाउन, ये वाली, ये इजी है, यू कैन डू इजली. तो फाइनली स्टार्ट करते हैं रनिंग गेनर के बारे में. तो रनिंग गेनर करने के लिए आप क्या, आपकी फर्स्ट चीज़ हो गई बैक फ्लिप, आपकी हो गई वन लेग गेनर या फिर नॉर्मल से गेनर, कोई सी भी गेनर. तो अब स्टार्ट करते हैं रनिंग गेनर के लिए. तो रनिंग गेनर करने के लिए आपको बैक फ्लिप हो या फिर आपको गेनर, तो आपको वहीं पर रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी पोजिशन से आगे जाना है, पीछे नहीं आना है. तो आपको स्टार्टिंग में आपको उसी पोजिशन पर आना पड़ेगा. तो आप कर सकते हो आगे, जैसे कि नॉर्मल बैक फ्लिप की बात करा जा सकती है, वहीं पर या फिर थोड़ा आगे ट्राई करो. और अगर गेनर की बात करें, वो तो इससे आप कर सकते हो. तो स्टार्टिंग करते हैं. तो रनिंग गेनर करने के लिए आपको कुछ मोमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल रनिंग चीज़ है. वन टू देन अप साइड, आपको ही करना है कि नॉर्मल से रनिंग करना है जो कि अप साइड जाएगी, और नॉर्मल से गेनर मार. वन टू, आप स्टार्टिंग में वहीं पर आओगे या फिर पीछे जाओगे, तो उसके लिए आपको थोड़ी रनिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो हाइट लेनी पड़ेगी आपको, जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल, तब क्या करना है, आप वहीं पर आओगे. इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए आप किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी हाइट से मार सकते हैं, कोई भी चीज़ों को. मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी. तो रनिंग गेनर करने के लिए जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरी, या फिर आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ये मैं बता रहा हूँ कि किसी चीज़ से सपोर्ट से आप ज़्यादा इजीली कर सकते हो किसी नॉर्मल सर्फेस के मुकाबले. तो आपको क्या करना है, आपको रनिंग करना है, और आपका लेग यहाँ रखना पड़ेगा, और लेग को किक करना है. बट किक करने के साथ साथ आपको बॉडी को आगे फेंकना है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पर. आपको बॉडी आगे के साथ साथ ऊपर फेंकनी पड़ेगी, जैसे बॉडी आपकी आगे जाएगी. आपको रनिंग करना है, लेग ऊपर, देन बॉडी को आगे फेंकना. आपकी बॉडी जितनी आगे फेंकोगे उतनी क्लियर पड़ेगी. लाइक दैट. तो मैंने इसके लिए क्या करा कि लेग रखा पूरी ताकत से ऊपर और आगे फेंका बॉडी. आपको इम्पोर्टेंट ये चीज़ करनी पड़ेगी कि जब आप लेग रखो तो आप बॉडी को ऊपर फेंको. अगर आप ऊपर बॉडी नहीं फेंकोगे तो आपकी बॉडी दाब जाए. तो इसे एक छोटा सा हैक और है कि जब आप लेग रखो ऊपर जाओ तो आपकी बॉडी को सामने देखता है, इससे आपकी हाइट जाएगी और आपकी बॉडी हवा में ज़्यादा रोटेट होगी और आपको होल्ड मिलेगा, इससे आपकी.
सो हे गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि एक ट्यूटोरियल के ऊपर बेस्ड था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में जैसा कि बताया था कि मैं गिनर के ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि आज ये वीडियो बता दिया। सो वीडियो में थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि मैं अपना माइक का बटन ऑन करना भूल गया। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई बेटर। सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम बिकॉज आई विल अपडेट एवरी डे समथिंग न्यू। सो डू एनीथिंग, कमेंट एनीथिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई अगर टिप का हो तो कमेंट भी। हाँ, टिप का हो तो चिल्ला दे दे दे। ले दीपक, तेरे लिए घर बनाया दे, तेरे लिए घर में लोग। तो ये सब है जो कंफ्यूज कर रहे थे मुझे। And I feel great, good, incredible, exceptional, and every other rapper's forgettable.